नमस्कार, मुकेश अंबानी दुनिया के 13वें रिचेस्ट पर्सन हैं। रील इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस हाउस है, फंक्शनल बिजनेस डोमेन्स हैं टेलीकॉम जियो, पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल बाय प्रोडक्ट्स, रिटेल। इतना बड़ा बिजनेसमैन का हर एक मूव इंडिया में कवर होता है, हर एक डिसीजन पे सिक्योरिटी होता है और शेयर मार्केट स्पेकुलेट करता है कि शायद अगला मूव कोई बिजनेस डिसीजन से जुड़ा हुआ है। इसलिए आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि रील शेयर के मूवमेंट से पूरा मार्केट ऊपर नीचे होता है। रील का अगला मूव उस सेक्टर के शेयर रील का अगला मूव उस सेक्टर के सारे शेयर के लिए डिफाइनिंग मोमेंट होता है। और आज हम आपको बताएंगे कि देश का सबसे बड़ा बिजनेस हाउस यानी रील का अगला मूव क्या हो सकता है, उनके लेटेस्ट इन्वेस्टमेंट के पीछे क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है। इसलिए आज का वीडियो एंड तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कीजिए क्योंकि बिना बेल नोटिफिकेशन को प्रेस किए आपको हमारे कोई भी आने वाले वीडियो के बारे में पता नहीं चलेगा। क्या आप इस वीडियो को देखकर सोच रहे हैं कि मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सही ब्रोकर कैसे चुने? बहुत सारे ब्रोकर हैं, हमने डिस्क्रिप्शन सेगमेंट में लिंक दिया है देश का नंबर वन फुल सर्विस ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग का। उस पर क्लिक करके आप कुछ ही मिनट में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो हम आपको उसमें हेल्प करेंगे हमेशा। क्या आप अपना पैसा किसी के भी हाथों में दे देते हैं? नहीं ना, इसलिए सबसे पुराना और भरोसे वाला ब्रोकर एंजल के साथ अकाउंट खोलिए। यहाँ पर और भी प्रीमियम फीचर है हमारे पास, जैसे एक साल का अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस फ्री, फ्लैट 20 रुपीज ब्रोकरेज, स्मार्ट API के जरिए हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग एंड अलॉन्ग ट्रेडिंग फ्री में, स्मॉल केस अवार्ड विनिंग ऐप एंड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, पर्सनलाइज एडवाइजरी एंड हैंड होल्डिंग। ट्रेडिंग के दरिया में मांझी के बिना प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? एंजल वो मांझी है जो आपको प्रॉफिट की तरफ ले जाएगा, आपका हाथ पकड़ के। इसमें हम भी आपके साथ रहेंगे हर परेशानी में। स्टार्टअप्स की दुनिया में एक बहुत ही पॉपुलर वर्ड है पाइवोट। क्या है पाइवोट? हर स्टार्टअप्स का एक प्राइमरी फंक्शनल एप्लीकेशन सेक्टर होता है, लेकिन अगर कुछ वजह से वो एप्लीकेशन सेक्टर में प्रॉफिट कमाना मुश्किल हो रहा हो तब स्टार्टअप को अपना फंक्शनल सेक्टर चेंज करना होता है, मतलब अपना बिजनेस डोमेन को शिफ्ट करना पड़ता है ताकि प्रॉफिटेबिलिटी बना रहे और इन्वेस्टर्स को लॉस ना हो। इसको पाइवोट बोलते हैं। मिडल ईस्टर्न ऑयल बेस्ड इकोनॉमिक्स में बहुत बड़ा प्रॉब्लम शुरू हो गया है। फॉसिल फ्यूल बेस्ड इकोनॉमिक्स शायद आने वाले दिनों में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसका प्राइमरी रीजन है ग्रीन एनर्जी की तरफ स्लो शिफ्ट, ये शुरू हो चुका है इंडिया में भी। अदानी ग्रीन एनर्जी एक ऐसा शेयर है जो पिछले एक साल में 200 रुपये पर शेयर से 1039 शेयर के रेट पर पहुँच चुका है, मतलब 5 गुना राइज हुआ है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है पेट्रोकेमिकल बिजनेस में। क्या है ये इम्पैक्ट? मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल, पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी बिजनेस में बहुत कम मार्जिन ऑफ प्रॉफिट। यही वजह है कि रिलायंस अपने पेट्रोल रिफाइनरी बिजनेस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरामको के साथ इसे डील भी होने वाला है। एक बार ये डील कैंसिल होने के बाद भी अब तक नेगोशिएशन चालू है। एक अच्छा बिजनेस पर्सन वो होता है जो पहले से मार्केट का ट्रेंड समझ के उस तरफ बिजनेस को ट्रांसफर कर पाए। रील ने यही काम अच्छी तरीके से किया था जियो के लॉन्च के टाइम पर। उस टाइम उन्होंने ऐसे कंपनी लॉन्च की जिसने टेलीकॉम सेक्टर को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया और गवर्नमेंट पॉलिसीज को पॉजिटिविटी यूज करके टेलीकॉम सेक्टर का सबसे बड़ा प्लेयर बन गया जियो। लेकिन बिजनेस में परमानेंट नाम से कुछ नहीं होता। टेलीकॉम में पाइवट के बाद भी रील को नया पाइवट क्यों ढूंढना पड़ रहा है? एयरटेल क्लोजली फॉलो कर रहा है जियो को टेलीकॉम सेक्टर में। एलन मस्क का स्टारलिंक इंडिया में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड लॉन्च करने वाला है। कंपटीशन भारी, मतलब प्रॉफिट मार्जिन पे भी क्लाउड, इसलिए आया दूसरा पाइवट। मुकेश अंबानी ने दुनिया के बड़े बड़े टेक जायंट्स जैसे फेसबुक, सिल्वर लेक, मुबादला, KKR से $27 बिलियन के आसपास का फंडिंग मैनेज किया, वो भी जियो को एक टेक प्लेटफॉर्म के तरीके से दिखाकर। लेकिन कंपटीशन से परेशान होकर उन्होंने दूसरा पाइवट किया इंडिया के रिटेल सेक्टर की तरफ, जो एक बहुत बड़ा मार्केट बनने वाला है 2025 तक। लेकिन इसमें दो US जायंट्स मैदान में थे, Amazon और Walmart, इसलिए रिलायंस ने फ्यूचर ग्रुप के साथ बड़ा डील किया जिससे बिग बाजार के साथ मेजर डिस्ट्रीब्यूशन चेन का एक्सेस रिलायंस रिटेल को मिलता। लेकिन वो डील भी Amazon ने पहले देख लिया था और उन्होंने फ्यूचर कूपन के साथ डील कर रखा था। उसके कैसेस कुछ ऐसे थे कि फ्यूचर ग्रुप अपना रिटेल बिजनेस कोई Amazon के राइवल को बेच नहीं पाएगा। इसी पर अभी इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट चालू है कि ये डील वैलिड है या नहीं। इसका डायरेक्ट मतलब ये है कि इतना प्लानिंग के बाद भी रिटेल सेक्टर में पेनिट्रेट करना रिलायंस के लिए डिफिकल्ट एंड अनप्रिडिक्टेबल था, इसलिए शायद नेक्स्ट पाइवट रिलायंस ने 2019 में पॉपुलर ब्रिटिश टॉय मेकिंग कंपनी हमलीज को एक्वायर किया था। वो प्रोसेस रिसेंटली कम्प्लीट हुआ और फॉर्मलाइज हुआ है। उसके बाद आज न्यूज आए हैं कि रिलायंस ने UK एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट स्टॉक पार्क में इन्वेस्ट किया है। $79 मिलियन का डील है जिसमें 49 लग्जरी बेडरूम्स एंड सूट्स, 27 होल चैंपियनशिप गोल्फ कोर्स, 13 टेनिस कोर्ट एंड 14 एकरेज ऑफ प्राइवेट गार्डन्स है। ये इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि
1964 का ब्लॉकबस्टर जेम्स बॉन्ड मूवी गोल्डफिंगर में ये स्टॉक स्पार्क दिखाया गया था। उसके बाद नेटफ्लिक्स के रिसेंट टेले सीरीज जैसे क्राउन में इसको दिखाया गया है, इसलिए ये एक सुपर प्रीमियम वेकेशन स्टेशन फॉर द सुपर रिच। क्या हेमलीज डील और इस डील के जरिए रिलायंस सर्विस सेक्टर में पाइवोट करने का प्लान कर रहा है? पेंडेमिक लॉकडाउन की वजह से हॉस्पिटलिटी सेक्टर बहुत स्ट्रेस में है, क्या मुकेश अंबानी इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके सर्विस सेक्टर में सिग्निफिकेंट प्रेजेंस बना रहे हैं ताकि जब लॉकडाउन ओवर हो और बिजनेस रीस्टार्ट हो तब रिलायंस को इमिडिएटली एक नया प्रॉफिटेबल सेक्टर मिल जाए? सर्विस सेक्टर में इंडिया के अंदर रिलायंस की टक्कर में कोई इतना बड़ा कंपनी नहीं है अभी तक। महिंद्रा एक प्लेयर है और भी कुछ इंटरनेशनल ग्रुप भी है, लेकिन रियल जैसा बड़ा पॉकेट किसी का भी नहीं है। एटलीस्ट रिटेल सेक्टर में अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे कि बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर नहीं है, नहीं टेलीकॉम में एयरटेल या स्टारलिंक जैसा कॉम्पिटिटर है। मे बी इसलिए रिलायंस इज बेटिंग ऑन सर्विस सेक्टर टू रीओपन आफ्टर द पेंडेमिक लॉकडाउन। धन्यवाद।